ठीक है। हाँ, ऐसे ही कायदे में रहना सीख लो, वरना बुरुस घिसे ना घिसे कई दिन तो मैं घिस दूंगी मैं। ओए, पहले मैं जाऊंगा। क्यों, तू मंत्री कहीं का? क्यों मंत्री नहीं आवे टट्टी, पहले मैं जाऊंगा। मंत्री ना आवे ना आवे, पहले मैं जाऊंगा, समझ गए ना? पहले जाऊंगा मैं। आई अपन रे, जिसे ज्यादा तेज आ रही हो पहले वो चला जा। मम्मी मो तो बहुत तेज आ रही है। मम्मी मो तो 100 की स्पीड में आ रही है। मम्मी मेरे तो गियर बक्सा ही फटा जा रहा। मम्मी मेरे देखिए रोंगटे भी खड़े हो गए। मम्मी मो पे तो कच्चा उतारने का टाइम ना है। मम्मी मो का तो खड़ा भी ना हो जा रहा अब। भाई एक काम कर, तू ही चला जा, मेरी तो निकल गई। गेट खोल दिया, गलात मार के दौड़ दूं क्यों? तेरा कौन है? पापा जी कहाँ हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बताऊं क्यों चिल्ला रहा हूँ? बताऊं अभी क्यों चिल्ला रहा हूँ? एक घंटा हो गया गेट बजाते बजाते। अगर ये पेट फेंक के मार दिया ना, यही अधमरा कर दूंगा। तो निकम्मी औलाद। पापा जी मम्मी ने दूध गर्म करने कह रखो, अगर फैल गया ना मेरे गेट खुलवा देंगी। जा मारे, चलो जा ना, तेरी गुद्दी गर्म कर दूंगा। हाँ। मम्मी मैंने कुछ ना करा, पापा आगे गेट खोलने गए। मम्मी मैं यही खड़ा। मैंने पहले ही कही ना ध्यान रखियो, इतनी निकम्मी औलाद भगवान किसी ना देवे। क्यों जी, तो मैं भी अभी ही आना हा, अगर थोड़ी देर में आ जाते तो कहाँ चला जाता था ना, सारा दूध लिकड़वा दिया। तो मैं उसे पूछ कर लिकड़वा दूध? वो कहा पता, तेने गैस पे दूध डर रखा और बाकी खीर बनाने में लग रही है। तुमने और थारी औलाद ने दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। या तो अब इस घर में मैं ही रहूंगी या तुम रहोगे। तो एक काम कर, हम ही रह लेंगे, तू निकल। ऐसे कैसे निकल जाऊं, भर भर के दहेज लेके आई, वहां का कहां रहेगा दहेज? हाँ। तू? हाँ। तेरे
बाप ने भी देखो दहेज ब्लैक एंड व्हाइट से टीवी लेकर चल दी और लुक कर दहेज लेकर आई दहेज लेकर आई। कुछ पता भी है तुम्हें 11,000 रुपया का टीवी आऊ 11,000 एक काम कर अभी कभी 22,000 रुपया ले 11 के और अब यहाँ से निकल 22,000 रुपया कभी देखे भी है तुमने? चल मैं तो कहा क्या रहने दे जा ना ना कह दो वैसे भी कहा कसर छोड़ रखी है तुमने कहने में। दहेज दहेज चिल्लाती रहे दहेज में कहा लाई एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। मैं तो भगवान से रोज की रोज प्रार्थना करूं काये बन दे ऐसी बीवी मगर उनको होनी अभी आई चल के बाप बेटा दोनों सर पे चढ़ रहे हैं रोटी भी नहीं मिल रही कि मेरा निकल ना गए आए हो मार 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 मस्तानी पीछे से मार अरे पीछे से मार यार। जब तो यार फोन में ही बढ़ना है तो ये सारी लाइट क्यों जला रखी है बिजली का बिल कौन भरेगा तेरा बाप? मम्मी अगर इतनी बुरा लगन लगाऊ ना मैं तो मैं बता दो मैं बाहर बैठ जाऊंगा जाके। तो जाना बाहर यहाँ मैंने भंडारा लगा रखा। मस्तान जल्दी आ गया आ गया आ गया आ गया तू आ गया मर्दोले गाड़ी उठा के भाग भाई मर्दोले घर से बाहर निकल बिल्कुल सही आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आजा 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 पोजीशन सेट कर हाँ पोजीशन सेट कर चल मार 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 एक घंटा होगा आज मारते मारते सुनने जाई होगी फोन में लग रहा है बैठ के हेतर बजा रहा हूँ जब तक भैंसर को नियार हो जान चाहिए। हे भगवान कौन सा जन्म को पत्थर निकाल रहे हो मौसू जो आवे बेल के चला जावे अब एक कमरा लेंगू किराए पे आराम से गेम खेलूंगा। मृदुल भैया और नितिन भैया मृदुल भैया नितिन भैया है कोई? आंटी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है चिल्ला खाई गुरा लेन लगा के नितिन भैया मृदुल भैया कहा हुआ? हाँ आंटी हम बुलावो देने आए थे। बुलावो काहे को बुलावो? सत्यनारायण की कथा हमारे घर है मम्मी ने के एंटी कहा तुम चले आए 4 बजे आ जाइयो पूरा मोहल्ला आ रहा है। ठीक है आ जाऊंगी। अरे यार ये तो हमने आंटी से झूठी कह दी अब क्या करें नितिन मृदुल भैया मिल जाते तो सब काम बन जाते एक दौर बजा के देख ले कहा पता भैया मिल जाए। रे फिर आ गा तू? आंटी हम एक बात तो भूल ही गए कथा में पंजीरी और चिन्ना में तो बटे हैं तो अपनी कटोरिया लेके आइयो मम्मी ने कही थी। ले आऊंगी दोनों भी ना मंगाए जाते इन पे प्लास्टिक के कथा कराएंगे। अरे यार आंटी ने तो दिमाग खराब कर दो बार बार आ जाती आपकी राय तो तेज चल रहे हैं जहाँ से भैया आ जाए। मृदुल भैया नितिन भैया आंटी अब क्या करने आया तू नीचे उतर उतर रहे हैं पता नहीं कहाँ कर रहा हूँ आंटी हम जा कह रहे थे हमारे घर जो कथा थी सत्यनारायण की हाँ 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 कैंसिल हो गई अब नहीं आने। हराम खोर अब क्या हम जाइयो हाल उधर दूंगी तेरी बता रही हूँ। ए मम्मी कहीं चीज का हिसाब लगा रही हो? रे बेटा कल उपला बेके उन्हें का हिसाब कर रही हूँ मैं बता तू कहाँ के? ए मम्मी देखिए एक दोस्त आ रहा मेरे शहर से तो मैं कहाँ करूँ? मम्मी बस चाय पानी की पूछ लिया चाय पानी दे दियो। मतलब बेटा तुम तो नू मानो कि मैं किसी चाय पानी की पूछती ना हूँ है ना मैं खुद पूछ लूँ किसी अभी तू दिक्कत मत ले मैं उसे अच्छे से खवा पिवा के भेजूंगी। ठीक है मम्मी। आए बड़े दोस्त आ रहे इनके रोज आ जाओ और सब बढ़िया चलो
बहुत दिन बाद आया यार। और सुना मोहित, बहुत दिन बाद हमारे गांव में तू यार। और भाई देख रहा हूँ लौंडा ने बॉडी बॉडी बना ली, मोला क्या गेनर का डिब्बा फेल दिया। ठीक है वैसे बॉडी तो हमने बनाई पर हमारी निकल गई। अरे नहीं ब्रो, थोड़ा डाइट रेगुलर चल रही है ना, उसका असर है। ओ ब्रो का फूफा, हमारी गैरी पढ़ाओ तू सरस्वती विद्या मंदिर में। और भूल कर दीखे स्कूल जाने के डर से कच्चा मांग ले करो, फिर आंटी जब हम बजाय करी फिर नु कह कर स्कूल चले हम। अच्छा बेटा आ गए तुम सब। हाँ जी आंटी। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बढ़िया करा आ गए तुम लोग, मेरा मन ना लगता, ऐसे जाओगे कब? मम्मी क्या हुआ, आंख क्यों दिखा रहा तुम हो? मम्मी यू लौंडा जाके मैंने बताई शहर से आएगा। अच्छा अच्छा तो यू है वो लौंडा, जाके तू कह रहा आएगा चाय पानी करानी है। ठीक है ठीक है, बता बेटा कहाँ खाएगा? अरे नहीं नहीं आंटी जी कुछ नहीं। अरे बेटा ऐसी कैसी बात कर रहा, हमारे घर आया कुछ तो खा के जाएगा, बता ठंडा लेगा गरम लेगा कहाँ लेगा? अच्छा आंटी जी आप एक काम करिए थोड़ी सी चाय ले आइए। बेटा देख चाय तो अभी बन ना पाएगी क्योंकि दूध होगा खत्म, तो तू कुछ और बता मैं बना दूंगी। अच्छा तो आंटी आप एक काम करो, आप नींबू पानी ले आओ फिर। अरे बेटा कैसी बात कर रहा, नींबू का तो सीजन ही चला था, 6 महीना से हमने ही ना देखे नींबू, तू कुछ और बता। अच्छा तो आंटी जी कोई बात नहीं आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक तो बेटा बाजार हमारे घर से बहुत दूर है, तो कोल्ड ड्रिंक तो देख मिले ना, इस टाइम तो फेर हो रही ना खून लेन जाएगा। अरे आंटी तुम हमें 50 रुपया दो, बयाल बच के पेप्सी ले आ जाए। तू चुप ना बैठे, तू जलजीरा से सिकल के पेप्सी पिएगा अब। अरे पेप्सी तो मेरे बाल कन्ना ना पी साल साल भर तू। और बेटा वैसे भी पेप्सी तो कितनी नुकसान करे, और गर्मी में खूब पेप्सी पी वे, तू कुछ और बता। मम्मी एक काम करो, वे जो काजू बादाम कहा बादाम वे तो खराब हो ही गए, तो जो कुछ रखा हो वो ले आओ। तू दिक्कत मत ले, मैं कुछ बढ़िया से बना के लाऊंगी तुमको। वैसे बेटा तू बता तू शहर में करे क्या है? आंटी जी बस अभी बीटेक कंप्लीट हुई, अब जॉब कर रहा हूं। बीटेक करके जॉब कर रहा, देख लो कुछ कितने रुपया कमा ले वे? आंटी जी 7000 पर मंथ है। 7000? हाँ जी। बेटा कितने रुपया रह गए ये? आंटी जी पूरे 7000। 7000? रे पढ़े लिखे गवार आदमी 20-20 हजार रुपया ये दूध बेच के कमा ले वे, और 2500-3000 के तो मैं उपड़ा बेच दूँ हर महीना। रे बेटा शहर में रहने का कोई फायदा ना है, हम तो यहाँ गाँव में ही ठीक है। चलो मैं तो कुछ अच्छा से बना के ला रही हूँ जब तक। ठीक है जी, आ भाई तब तक मैं तो अपना घर घुमा दूँ पूरा। कहा हवा महल बना रखा तेरे बाप ने, 60 गज के प्लॉट में तो कमरा घा बना दिया, तुम वहां घुमाओगे अब? अरे बेटा तू यूं ही बैठ, पल्ले कमरा की तो बेडशीट भी फट रही है और पंखा भी खराब है, गर्मी लग जाएगी तुम्हें। आया घर दिखाएगा यू। ला रही मैं कुछ बना के। यार ब्रो तुम्हारी तो हालत ही खराब है, यहाँ 7000 कमा के फुल मोस्ट तो ले रहा हूँ, यहाँ 20000 कमा के तुम्हारी 20 पैसे की इज्जत नहीं है। ले बेटा तू ठंडा ठंडा पानी पी पहले, है ना? बेटा तूने गिलास फोड़ दिया मारा। सारे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आपकी मम्मी भी ऐसी कर रही हो ना और आप अपनी मम्मी से कह ना पा रहे हो तो हमारी वीडियो दिखा दियो, मम्मी पापा भाई बहन सब है सारी बात समझ जाएंगे कि बालक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, और बाकी अगर आपके पापा ने भी कहीं गांव में सेटिंग वेटिंग कर रहा है तो अपनी दूसरी मम्मी का नाम कमेंट में बता दो। और बाकी अपना ध्यान रखो भाई, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी पूरी फैमिली के साथ टीवी पे चला के देखो, थिएटर में देखो, पिक्चर में लगवाओ, परी चौक पे लगवा दो पोस्टर, कुछ भी करो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ, अपना ध्यान रखना। और पापा की जो भी सेटिंग हो ना उनका नाम हमें बताना इंस्टाग्राम। नई वीडियो दोबारा जल्दी आएगी, तब तक अपना ध्यान रखें। राम राम जी, बाय 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 बाय।